कार्यकर्ता बने हुए थे, पूरे प्रदेश के हमारे प्रदेशवासियों को, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत हमारी बधाई है, शुभकामनाएं। 138 साल का इतिहास आप समझ लो, लंबा सफर तय करते करते कांग्रेस यहाँ तक पहुंची है। आज चाहे हम सत्ता में हैं या नहीं है, पर आप देखते हैं कि कांग्रेस की जो नीति है, कार्यक्रम है, सिद्धांत है, वो अड़ी है। राहुल गांधी जी ने भी कहा था अभी, हमारी लड़ाई नीतियों की है, सिद्धांतों की, कार्यक्रमों की है, आरएसएस बीजेपी के खिलाफ में वो जारी रहेगी। संविधान की रक्षा करने में हम लोग सक्षम हैं। ये जो संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, लोकतंत्र की जड़ें कमजोर कर रहे हैं, वो देश बर्दाश्त नहीं करेगा। पूरी कांग्रेस एकजुट होकर के, जिस प्रकार खड़गे साहब अब अध्यक्ष बने हमारे नए, आप देख रहे हैं कि दलित वर्ग का व्यक्ति 50 साल के बाद में अध्यक्ष बने हैं, पूरे देश के अंदर एक नया माहौल बना है। उसी के सानिध्य में हम सब मिलकर के आने वाले वक्त के अंदर जो यात्रा समाप्त होगी राहुल जी की, उसके बाद में नए प्रोग्राम दिए गए हैं, उन प्रोग्रामों को लेकर हम लोग गली गली गांव गांव जाएंगे। और 15 दिन का जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने आह्वान किया है, तमाम मंत्रियों को, विधायकों को, सबको 15 किलोमीटर की यात्रा तय करनी है। और राहुल जी ने बहुत ही मार्मिक बात कही कि जनता से जुड़ाव करो, मतलब थोड़ी कमी आ गई है, धीरे धीरे आई जाती है, तो जनता जुड़ने का एक और अवसर हमें आज का जो मौका है, मुबारक मौका 28 दिसंबर का कांग्रेस स्थापना दिवस का, उसके उपलक्ष्य में हम सब संकल्प लेंगे। आज हमारा बिरला ऑडिटोरियम में अधिवेशन है, सब संकल्प लेंगे कि आने वाले वक्त के अंदर हर कांग्रेस नेता कार्यकर्ता जनता के बीच में जाए, सुख दुख में भागीदार बने और कांग्रेस झंडा बुलंद रहे देश के लिए, देश हित के लिए, ये हम संकल्प लेंगे। धन्यवाद।